हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साइबर सेल एवं साइबर पुलिस थाना पाली की बड़ी कार्रवाई। आम लोगों ने गुमशुदा करीब 30 लाख रुपए के 155 मोबाइल सुपुर्द किए। फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड के 53,66,466 होल्ड तथा 9,67,720 रुपए रिफंड पाली। जिला मुख्यालय पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला की अध्यक्षता पर साइबर सेल की विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। डॉक्टर गगनदीप सिंगला जिला पुलिस अधीक्षक पाली ने बताया कि वर्तमान में मोबाइल आम लोगों के लिए आवश्यकता बन गई है, जिस पर जिले में गुम हुए परिवारवादियों के मोबाइल को बरामद करने हेतु साइबर सेली पाली तथा समस्त पुलिस थाना को विशेष निर्देश जारी किए गए। टीम का सुपरविजन बुगल लाल मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। गौतम आचार्य प्रभारी साइबर सेल को जिले में गुम हुए मोबाइलों की सूचियां थाना स्तर को प्राप्त कर तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए बानी स्तर पर मोबाइल बरामद करने का कार्य सुपुर्द किया गया। साइबर सेल द्वारा आवश्यक तकनीक सहायता उपलब्ध करवाई गई, जिस पर जिले में विशेष अभियान के दौरान 155 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी बाजारी कीमत 30 लाख से ज्यादा की है। बरामद किए गए मोबाइल के मालिकों को दस्तावेज सहित साइबर पुलिस थाना पाली में आमंत्रित किया जाकर सभी परिवारवादियों को अपने अपने मोबाइल वितरित किए गए। डॉक्टर गगनदीप सिंगला पुलिस अधीक्षक पाली ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को मोबाइल चोरी या गुम हो जाए तो रिपोर्ट थाने में अवश्य दर्ज करवाए। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला इन्होंने ये कहा। साइबर सेल क्या उपलब्ध रही मुख्य तौर से? अभी रिसेंटली राज्य सरकार ने सभी जिलों में साइबर थाने की इस्टेब्लिशमेंट की है। पाली में भी साइबर थाना चालू किया है, तो इसमें एक इनिशिएटिव लेके जितने भी मोबाइल जिनके गुम हो रखे हैं उसमें करीब 155 मोबाइल हमने खोजे हैं और आज उनके जो ओनर्स हैं उनको बुला के हमने उनको सुपुर्द किए हैं। साथ में जो दिन ब दिन साइबर ठगी बढ़ रही है उसके बारे में भी हमने जागरूकता के लिए एक सेशन रखा है, जिसमें किस तरह की ठगी हो रही है, कैसे ठगी हो रही है, कैसे उससे बचा जा सकता है उसके संबंध में बताया। साथ में जो नंबर है, एक तो जिला लेवल पे जो हमने साइबर ठगी अगर किसी के साथ हो जाती है उस पर सूचना देने के लिए, साथ में 1930 जो नेशनल पोर्टल का एक नंबर है वो भी हमने इनको बताया है, लोगों के साथ भी साझा किया है कि अगर किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत प्रभाव से उस पर। जागरूक टीवी के लिए पाली से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।